प्रयागराज के मेजा कुंवरपट्टी में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हुआ। उस दौरान बाबा हाथ जोड़कर लोगों का स्वागत किया, फिर दिव्य दरबार लगाया। बाबा की एक झलक पाने के लिए अलग अलग राज्यों के लोग भी आए। राजू भैया जी बोले, गुरु जी भले ही एक दिन के लिए आप, लेकिन आपको आना है। तो हमारे मन में विचार आया कि हमें संगम तो डुबकी लगाने जाना ही है, साथ में मोजा गांव में पहुंच करके बागेश्वर बालाजी का दरबार भी लगा दिया जाएगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मेरे पागलों, दरबार लगाना बहुत जरूरी है, धर्म परिवर्तन वालों के लिए तमाचा है ये। बात बिल्कुल अच्छी है, आपका तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पागलों, ये दरबार भी बहुत जरूरी है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन में कुछ नहीं है, सब पाखंडी है, सब जो है ऐसे ही है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हनुमान जी का दरबार भी चल रहा है। और जो हरिउल्ला कर करके जो धर्म को परिवर्तन कर रहे थे, अब उनके मुंह पर तमाचा है, आपको अब दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने ये भी कहा, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। ऐसे हनुमान जी है कि जो और देवता चित्त ना हनुमत से, ये केवल हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। जो हनुमान जी को ध्याता है, हनुमान जी को भजता है, हनुमान जी के सहारे रहता है, वो अपनी जिंदगी की प्रत्येक संकटों का समाधान संकट मोचन से पा जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक पत्रकार को खड़ा करके बोले, आप जिनको अपना पर्चा भेजना चाहते हो भेज दो, उनके पर्चे जहाँ पहले से ही यहाँ बने हैं। बाबा ने कहा, भेजिए, किसको भेजना है? जो आपके परिचित ना हो, उनमें से किसी को भी आपको भेजना है हमारे पास, जिनका भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा। हाँ, तुम्हारी बुद्धि ऐसे ही भरी रहे, पढ़ाई लिखाई जीरो जीरो। धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम प्रयागराज में 12 बजे से शुरू होना था, लेकिन वो करीब 2 घंटे बाद पंडाल पहुँचे। हम तो जैसे आए हम ही जाना, बड़ी मुश्किल में आ पाए, चले तो हम 12 बजे। वही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लोग झूमते हुए भी नजर आए। प्योर रिपोर्ट, AK न्यूज़।